सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम चैप्टर का ये सबसे लास्ट टॉपिक है. इसका नाम क्या है? सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. अब यानी कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? अब इसमें क्या है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बढ़ के हमें नॉलेज ऑफ इंटरडिपेंडेंस हो जाता है. यानी कि हमें ये पता लग जाता है कि एक सेक्टर जो है वो दूसरे सेक्टर पे किस तरीके से डिपेंड है. अब हाउस होल्ड सेक्टर जो है, अब वो क्या करता है, उसको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, बदले में वो क्या दे देता है, उसको पेमेंट करता है. ठीक है, अब ये हाउस होल्ड सेक्टर जो किस तरीके से डिपेंड है दूसरे सेक्टर पे, वो तो चलो उसके लिए उसको तो अपनी फैक्ट्री प्रोडक्शन चाहिए, वो तो इस तरीके से डिपेंड हुआ प्रोड्यूसिंग सेक्टर. तो अब वो बदले में उससे गुड्स और सर्विसेज की भी तो वो सोचता है ना कि मुझे इससे गुड्स और सर्विसेज मिलेंगे, तो वो इस तरीके से एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं. आगे क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंजेक्शन एंड लीकेजेस. अब हमें पता लगता है कि इंजेक्शंस किस तरीके से हैं, लीकेजेस किस तरीके से हैं, यानी कि विड्रॉल हम किस तरीके से कर सकते हैं, और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बाहर से पैसा हमारे पास कैसे आता है वो भी हम इसके अंदर स्टडी करते हैं. नेक्स्ट है एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, हमें नेशनल इनकम के बारे में भी पता लगता है. नेक्स्ट है रिलेटिव सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो वेरिएबल्स. अब हमें मैक्रो वेरिएबल्स का भी पता लग जाता है, जैसे नेशनल इनकम, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इसकी हम जो है कंपेरेटिवली अब इसमें क्या कर सकते हैं, इसकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है. तो यहाँ पर ये जो चैप्टर है हमारा, चैप्टर नंबर 3 यहीं पे कंप्लीट होता है. तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे. और अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा. तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ या नेक्स्ट वीडियो के साथ. थैंक यू वेरी मच.